और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में पहलवानों के धरना प्रदर्शन से जुड़ी ये खबर, जहां पर पहलवानों के धरना प्रदर्शन पर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने आपात बैठक बुला ली है। ये आपात बैठक यहां पर बुलाई गई है आईओसी की तरफ से पहलवानों के प्रदर्शन पर। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दे, आईओए ने आपात बैठक बुलाई है क्योंकि इससे पहले चार मांगों को लेकर पत्र लिखा गया था इन पहलवानों की तरफ से, जिसमें साफ कहा गया था कि इस्तीफे के साथ साथ उनकी गिरफ्तारी हो, जो मौजूदा फेडरेशन है उसे भंग किया जाए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, पहलवानों की शिकायत पर आपात बैठक। यतेंद्र हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। यतेंद्र, क्या कुछ जानकारी मिल रही है पहलवानों की चिट्ठी पर, आखिरकार आईओए अब बात करेगी? देखिए बिल्कुल, रेसलर्स का जो मामला है वो लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आईओए को जो लेटर लिखा था उसके जवाब में आईओए ने एक आपात बैठक बुलाई है। ये बैठक वर्चुअली होगी और शाम को करीब 6:45 बजे ये बैठक होगी, जिसमें जो खिलाड़ियों ने, जो रेसलर्स हैं, उन्होंने जो शिकायत की है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सख्त एक्शन ले, जो यौन उत्पीड़न और मानसिक उत्पीड़न के जो आरोप हैं उनको लेकर कुश्ती महासंघ को भंग किया जाए। ये मांग रेसलर्स ने पत्र लिखकर आईओए की जो अध्यक्ष हैं पीटी उषा, उनको ये पत्र लिखा था, जिसके बाद तुरंत आज एक मीटिंग शाम को 6:45 बजे वर्चुअली मीटिंग बुलाई है, जिसमें फैसला लिया जाएगा। और माना यह जा रहा है कि आईओए इस पूरे मामले की जांच के लिए कमेटी बना देगा और कमेटी उस पूरे मामले की जांच करेगी और जांच के बाद जो भी फैसला आएगा उसके आधार पर आईओए डिसीजन लेगा। जी शुक्रिया यतेंद्र शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए आपका। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपने आवास पर खेल मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में एसएआई के डीजी भी मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक अनुराग ठाकुर सुबह से अपने आवास पर खिलाड़ियों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन खिलाड़ी बातचीत के लिए नहीं पहुंचे हैं। वहीं खेल मंत्रालय की तरफ से अब तक जो भी प्रस्ताव दिए गए उनको पहलवानों ने मानने से इनकार कर दिया है, क्योंकि आज सेकेंड राउंड की मीटिंग होनी थी, उस बैठक में पहलवान नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि उनका साफ तौर पे कहना है कि 4.25 घंटे तक जो देर रात मीटिंग चली उसमें वो संतोषजनक बैठक नहीं रही है और ऐसे में आज वो बैठक में शामिल नहीं हुए। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, सरकार की ओर से एक फॉर्मूला रखा गया है जिसके मुताबिक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाएगा और इस फॉर्मूले में ये कहा गया कि जो खिलाड़ियों की शिकायतें सुनेगी ये कमेटी वो होगी। साथ ही खिलाड़ियों से ये भी कहा गया कि वो जिसका नाम चाहें खेल मंत्रालय को बता दे, लेकिन अब तक खिलाड़ी अपनी बात रखने नहीं आए हैं। खबर तो ये भी है कि कुश्ती संघ एक चुना हुआ संगठन है और इसलिए मंत्रालय इसे नहीं हटा सकता। उधर दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना तीसरे दिन भी बदस्तूर जारी रहा है, जिसमें बड़े बड़े पहलवान शिरकत करने के लिए पहुंच रहे हैं। विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया समेत करीब 30 पहलवान भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हुए हैं। वहीं महिला पहलवानों ने संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह और कई कोच के खिलाफ यौन शोषण के गंभीर संगीन आरोप लगाए और अनुराग ठाकुर ने पहलवानों को मिलने के लिए बुलाया, पूरे मामले में एक्शन का भरोसा भी उन्हें दिया है। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां पर एक तरफ सरकार आश्वासन भी दे रही है, इंतजार भी कर रही है कि टेबल पर बैठकर बातचीत हो और समाधान निकाला जा सके। उन्होंने आश्वासन दिया कि आपके साथ न्याय होगा, तो हमारी मांग है वो सरकार को बोल दी है और उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही उनको पूरी करेंगे। अगर हमारी मांगे पूरी हो जाएंगी तो हम आराम से उठ के यहाँ से चले जाएंगे। और आप लोगों को बता दूं, ना तो इसमें कोई राजनीति है, ना हम किसी राजनीता आदमी को यहाँ पे बुलाना चाहते हैं, ना कोई भी आएगा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है वो हमारे ऊपर स्टेज पे ना आए, क्योंकि ये लड़ाई हम खिलाड़ियों की है और लड़ाई गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो राज्य गवर्नमेंट से किसी से नहीं है, हमारी लड़ाई सिर्फ फेडरेशन से है। जो अन्याय खिलाड़ियों के ऊपर हो रहा है वो हम सहन नहीं करेंगे। इसी बीच पहलवानों ने अपनी मांगों को लेकर ओलंपिक एसोसिएशन को चिट्ठी लिखी है। पहलवानों ने ओलंपिक एसोसिएशन से कुश्ती संघ भंग करने की मांग की है, साथ ही WFI के अध्यक्ष का इस्तीफा भी मांगा है। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, पहलवानों ने ओलंपिक संघ को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें मुख्यतः यही मांग है
कि जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसे भंग कर दिया जाए और नए तरीके से उसे गठित किया जाए। तो देखिए, पहलवान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना लगातार देते हुए नजर आ रहे हैं। बैठकों का दौर भी जारी है खेल मंत्रालय की तरफ से, लेकिन वो बैठक बेनतीजा इनके हिसाब से साबित हो रही है। तो दूसरी तरफ आप देखिए, बीच का रास्ता निकालने की भी कोशिश सरकार की तरफ से, एक प्रस्ताव भी रखा गया है कि जो भी अध्यक्ष पद के लिए आपकी तरफ से नाम सुझाए जाएंगे उस पर हम विचार कर सकते हैं। तो सरकार इस पूरे मसले को बेहद गंभीरता के साथ डील कर रही है, ले रही है, जिसके चलते बीच का रास्ता निकालने की पूरी पूरी कोशिश जारी। और इस बीच एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, शाम 6 बजे खेल मंत्री अनुराग सिंह पहलवानों से मुलाकात यहां पर करेंगे। अनुराग ठाकुर की मुलाकात यहां पर होगी, अनुराग ठाकुर के घर जाकर उनसे मुलाकात करेंगे पहलवान। और फिर से एक बार प्रस्ताव रखा गया है, टेबल पर बैठकर बातचीत हो, आप 3 नाम दे दीजिए, उन 3 नामों में से नया अध्यक्ष चुन लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल संघ भंग नहीं किया जा सकता क्योंकि चुना हुआ एक संगठन है। तो देखिए, 6 बजे ये बैठक होनी है। हालांकि आज सुबह ये बैठक होनी थी दूसरे राउंड की, क्योंकि देर रात ये मुलाकात चली जो कि बेनतीजा ये पहलवान बताते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि पहलवानों के प्रदर्शन को देखते हुए खेल मंत्री अनुराग ठाकुर एक बार फिर से उन्हें बातचीत के लिए निमंत्रण देते हुए नजर आ रहे हैं और 6 बजे ये बैठक होगी। दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवान ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आर पार की लड़ाई के मूड में दिखाई दे रहे हैं। इसके लिए उन्होंने ओलंपिक एसोसिएशन को भी चिट्ठी लिखी है। पहलवानों का ये साफ तौर पे कहना है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती वो धरना खत्म करने वाले नहीं है। साथ ही पहलवान भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को बर्खास्त करने की मांग पर टिके हुए हैं। तो 3 तस्वीरें आपके सामने दिखा रहे हैं हम, और 3 तस्वीरों के जरिए आप पूरे इस कुश्ती की तस्वीर को समझिए। पहला, किस तरीके से पहलवान धरने पर बैठे हुए हैं। दूसरा, अब ये जो पूरी बात है वो ओलंपिक संघ तक चली गई है, पहलवानों ने चिट्ठी लिख दी और अपनी शिकायत दी। और तीसरी, ब्रजभूषण शरण सिंह जो आप तस्वीर में देख रहे हैं उन पर गंभीर और संगीन आरोप लगे हैं। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर कई आरोप लगे हैं। दिल्ली में धरने पर बैठे पहलवानों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। और इसी बीच ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी आरोपों पर सफाई दी। रुकने की व्यवस्था हम नहीं करते, रुकने की व्यवस्था आयोजक करता है और एक एक देश की टीम को एक एक जगह रुकाता है, ये हमारी व्यवस्था नहीं है। और जिस खिलाड़ी ने आरोप लगाया है कि दरवाजा खुला था, हाँ, खुला रहता था, हाँ, वो खिलाड़ी उस टूर्नामेंट में नहीं थी। देश की राजधानी दिल्ली से खबर। दिल्ली में 26 जनवरी के पहले क्या खालिस्तान मूवमेंट को हवा दे रहे हैं देश विरोधी तत्व? ये सवाल इसलिए क्योंकि पश्चिमी दिल्ली की दीवारों पर देश विरोधी और खालिस्तान समर्थित नारे लिखे गए हैं। रात के अंधेरे में जिस तरह से इस काम को अंजाम दिया गया उससे सवाल खड़ा ये हो रहा है कि दिल्ली में दीवारों पर लगाए जा रहे ये स्लोगन साजिश है या फिर शरारत।